नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। कोरोना काल में कैसे हो बोर्ड एग्जाम, ये एक ऐसा सवाल है जो सबके जहन में इस वक्त है, क्योंकि लाखों की संख्या में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जो छात्र जुटे हैं वो अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि आगे क्या होना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हालांकि कह चुके हैं कि इस बार कई बदलावों से छात्रों को राहत मिलेगी। तो आज दो घंटे इसी पर लगातार आज तक पर यह खास कार्यक्रम बना रहेगा। हमारे साथ छात्र जुड़ेंगे, उनके परिजन जुड़ेंगे। तो आइए आपको बता दें कि किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे हम कंडक्ट करेंगे। ये अहम इसलिए भी है क्योंकि सीधे सीधे शिक्षा मंत्री की तरफ से यह ऐलान किया गया कि 31 दिसंबर यानी इस साल के आखिरी दिन शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें वो छात्रों को एड्रेस करेंगे। लेकिन इस बीच आप यहां पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आप देखिए इस पूरे साल यानी 9 महीने जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई हुई है, 9 महीने वो पढ़ाई जूम के जरिए हुई है, ऑनलाइन जुड़कर हुई है। और इसीलिए हम इन सभी स्टूडेंट्स से बात करेंगे, इनके डाउट्स क्या हैं, पेरेंट्स के मन में जो सवाल हैं उन्हें सीधे सरकार के सामने हमारी रखने की कोशिश होगी। हमारे साथ इस वक्त स्टूडेंट विनायका जुड़ गई है। विनायका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैम, आई कैन हियर यू। विनायका शर्मा देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। किस स्टैंडर्ड में है विनायका आप, और अभी एग्जाम्स को लेकर क्या चल रहा है मन में? मैम मुझे अभी तो मैं वैसे कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, पर मेरी बहन है वो क्लास 12th की एग्जाम देने जा रही है इस बार, तो वो काफी डरी हुई है, तो मैं उसकी आवाज उठाना चाहती हूँ सब इंडिया के सामने। बताइए। मुझे लगता है कि एग्जाम्स अगर हमें देने हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि विदाउट सिक्योरिटी हमारे पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि अभी कोरोना वैक्सीन पूरी तरह आई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी अगर हम एग्जाम कंडक्ट करा दें, और वैसे भी कहा गया है कि 31st को डेटशीट आएगी, तो बहुत डर वाली बात तो है, पर अगर पूरी तरह प्रिकॉशंस लिए जाएंगे तो हम अपनी बहन को जरूर भेजेंगे एग्जाम देने। और देखिए जो ये बात विनायका इस वक्त कह रही हैं, ये सवाल एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस वक्त रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बीते 9 महीने में ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आगे जब उन्हें एग्जाम सेंटर्स पहुंचना होगा, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो वो पूरा प्रोसीजर क्या होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राज्यवर्धन है हमारे साथ इस वक्त। राज्यवर्धन आप सुन पा रहे हैं, रखिए अपना सवाल। जी राज्यवर्धन आपको हम देख पा रहे हैं, पूछिए अपना सवाल। तो हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने सवाल जो आज तक के इस मंच के जरिए रख सकें, उनके परिवारों में माता पिता के जहन में जो सवाल आ रहे हैं उन्हें रख सकें, क्योंकि ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पहले ये कहा गया था कि फरवरी तक हो सकता है एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाए या उस समय तक ना हो, लेकिन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का जो नया ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने 31 दिसंबर की तारीख को मेंशन किया है, उसके बाद छात्रों के मन में सवाल काफी हैं। लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, बीते इन 9 महीनों में बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर, ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर क्या स्टेटस रहा है? कोरोना काल में अधर में एग्जाम्स, असमंजस में छात्र, कोरोना ले रहा छात्रों की परीक्षा, दुविधा में छात्र, अभिभावक परेशान, क्या करें छात्र, तनाव में कैसे करें तैयारी। इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। महज 3 दिन बाकी हैं जब इस सस्पेंस पर से पर्दा हट जाएगा। 31 दिसंबर की शाम 6 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेंगे, बताएंगे कैसे छात्रों को इस बार राहत देने की तैयारी है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने घोषणा की थी कि फरवरी तक सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा मुमकिन नहीं है। कोरोना ने जो परेशानी बढ़ाई है उसे देखते हुए छात्रों की तैयारी प्रभावित हुई है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे बोर्ड्स कब होंगे, अभी तक डेट शीट नहीं आया है, फिर मतलब बहुत सारे चेंजेस भी आ गए पढ़ाई को लेकर के। जितना हम लोग स्कूल में जितने अच्छे से समझ पाते थे उतने अच्छे से ऑनलाइन में नहीं समझ पाए, फिर सिलेबस भी बहुत लेट से कंप्लीट हुआ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। और अभी ये है कि बोर्ड्स कब होगा, डेट अभी तक कुछ आया नहीं है, मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत होंगे ना, क्योंकि पहले मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाते थे, फिर एग्जाम्स भी हो जाते थे, तो एडमिशन लेने में आसानी होता था, बट इस बार डेट कब एग्जाम होंगे, फिर एडमिशन्स में लेट होगा, तो ये सब तो प्रॉब्लम होगा।
देश में मार्च के महीने में कोरोना का संकट गहरा गया था। उस वक्त भी CBSE बोर्ड के कुछ पेपर नहीं हो पाए थे। तब से चला आ रहा संकट का वो दौर अब और गंभीर हो चुका है। इसका असर छात्रों की पढ़ाई और उनकी तैयारियों पर पड़ा है। वैसे उस खतरे को देखते हुए छात्रों को कई राहत देने का ऐलान हो चुका है। 30% सिलेबस कम किया गया है। फैसला ये भी है कि इस बार कोई छात्र फेल नहीं होगा। मार्कशीट पर फेल शब्द नहीं लिखा जाएगा। सभी परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी, यानी पिछले साल की तरह ही इस साल भी क्लासरूम में बैठकर छात्रों को परीक्षा देनी पड़ेगी। फैसला ये भी हुआ है कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं होंगी। ये आवश्यकता है। आने वाले दिनों में अब केवल हम समेटिव असेसमेंट या केवल फाइनल एग्जाम्स पर जो है बच्चों का मूल्यांकन करने में कठिनाई होगी। अच्छा ये होगा कि हम फॉर्मेटिव सिस्टम को भी हम सामने लाएं, पहली बात। दूसरी बात यह कि यस, एग्जाम्स तो होंगे ही, एग्जाम्स होंगे और हमें उम्मीद है कि इस बार जो है 2021 की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं मोस्ट प्रोबेबली माह अप्रैल में जो है आयोजित होगी। कोरोना काल के शुरुआती दौर से ही सरकार छात्रों को ऐसे ही राहत देने के फैसले लेती रही है। ऐसे उनको समय में जबकि सब लोग घरों में अचानक कैद हो गए हों और ये महामारी चारों ओर से चौतरफा हमले कर रही हो, ऐसे वक्त पे उन बच्चों को संभालना, उनकी मनस्थिति को संभाले रखना, उनको तत्काल ऑनलाइन पर लाना, उनको जोड़े रखना, ये बहुत चुनौती भराई काम नहीं था बल्कि बहुत मुश्किलों का था और उस मुश्किलात में भी आपने रास्ता निकाला है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि नए साल में मार्च या उसके बाद किसी भी महीने में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिसकी तस्वीर इस साल के आखिरी दिन तक साफ हो जाएगी। पटना से रोहित कुमार सिंह और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो बोर्ड परीक्षाओं की तारीख क्या होगी, एग्जाम्स कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे, परीक्षा सेंटर्स पर कोई व्यवस्था की जाएगी, इन तमाम बातों पर जो खुलासा होगा या तस्वीर साफ होगी वो 31 दिसंबर को होगी। लेकिन स्टूडेंट्स बहुत सारे देश भर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। मैडम तुषारिका शर्मा हमारे साथ मौजूद है, आप टीचर हैं। तुषारिका जी, स्टूडेंट्स अभी किस तरह की कंप्लेंट्स लेकर या कैसे सवाल उनके जहन में है और एग्जाम्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो सीधे सीधे एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। बोलिए तुषारिका जी। हाँ, हम जहाँ तक सोचते हैं कि बच्चे की पढ़ाई जो ऑनलाइन हुई तो पेपर ऑनलाइन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जाके लिखने में फिर उस तरह से तैयार नहीं है, ऑनलाइन तो घर में कर लेते हैं जी। तो बच्चे के पेपर ऑनलाइन ही होनी चाहिए। गर्वित भी आ गए हमारे साथ, गर्वित त्रिपाठी। गर्वित, कौन सी क्लास में आप और अभी किस तरह से पढ़ाई चल रही है, एग्जाम को लेकर क्या सोच रहे हैं? Yes, sir, 10th. 10th स्टैंडर्ड में है। ओके, बोलिए गर्वित। Yes, sir. बताइए एग्जाम्स को लेकर क्या सवाल है आपके जहन में गर्वित? अभी किस तरह से आपकी पढ़ाई चल रही है गर्वित? Yes, sir. कुछ आपके एग्जाम्स या जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो कैसे अभी टीचर्स कलेक्ट कर रहे हैं आपसे? लगता है गर्वित तक ऑडियो जी पर हो नहीं पा रहे। हाँ मैम, प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो रही है और मैम कभी ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, कभी नेटवर्क चला जाता है और मैम यही सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम। तो ये एक ऐसी समस्या है जिस पर आगे कैसे बढ़ा जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स को लेकर सवाल तो सबके मन में है कि कैसे होंगे, लेकिन उसके लिए जो पूरा एक ढांचा जो तैयार करना है, एक ब्लूप्रिंट जो तैयार करना है वो कैसा होगा, ये सवाल इस वक्त सबके मन में है। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे साथ JS राजपूत साहब जुड़ रहे हैं, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं NCERT के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। डॉक्टर संदीप वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, और प्रवीण मल्होत्रा हमारे साथ हैं, आप करियर काउंसलर हैं। तो राजपूत जी, सबसे पहले आपके साथ ही मैं शुरुआत करूंगी। देखिए पेपर्स कैसे होंगे, एग्जाम्स कैसे होंगे, 31 दिसंबर को कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट इस पर शिक्षा मंत्री करेंगे, लेकिन एक एक्सपर्ट होने के नाते आप अभी क्या एडवाइस करते हैं? मेरे पास दो चीजें हैं जो मैं इस समय कह सकता हूं। पहली,
सभी असमंजस में हैं, चाहे माता पिता हो चाहे सरकार भी संभवतः असमंजस में ही होगी। वो उधर बढ़ रही है, वो घोषणा करेंगे तिथियों की, अपनी तैयारी करेंगे, लेकिन ये सब इस पर निर्भर करेगा कि अगले महीने या अगले डेढ़ महीने में कोरोना की स्थिति कैसी रहती है। इस समय संख्याएं प्रभावित लोगों की, पॉजिटिव्स की कम हो रही हैं और इसे थोड़ी सी आशा बनती है। फिर टीका भी आ गया है, जब अच्छी तरह से अच्छी संख्या में टीका लग जाएगा, माता पिता का विश्वास बढ़ जाएगा, तब इस दिशा में आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। तैयारी तो करनी चाहिए, सरकार को भी करनी चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस पर भी विचार हो सकता है कि नई शिक्षा नीति में जब कक्षा 8 के 9, 10, 11, 12 को एक साथ कर दिया गया है तो निश्चित रूप से कक्षा 10 के परीक्षा का महत्व वो नहीं रहेगा जो इस समय बोर्ड परीक्षा का है। तो इस पर भी विचार किया जाए कि क्या कक्षा 10 में ऑफलाइन आवश्यक है, या वहां पर भी कुछ ऐसा हो सकता है कि बच्चे कुछ विषयों में ही ऑफलाइन बुलाए जाएं, बाकी में न बुलाए जाए या बिल्कुल न बुलाए जाए। ये एक संभावना है जो बहुत से माता पिताओं से मेरी चर्चा में निकली है। तो अभी मैं ये कहूंगा कि ये सरकार सही दिशा में जा रही है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा वो संभवतः परीक्षा के 10-15 दिन पहले ही होगा और ये इसका दबाव तो हम सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि स्थिति पर उतना नियंत्रण अभी तो नहीं है, आगे हो जाए ये अच्छा रहेगा। आशा करनी चाहिए कि जो भी निर्णय होगा वो मंत्रालय भी हर 10-15 दिन बाद उस पर विचार करता रहेगा कि क्या हम इसी दिशा में आगे जाएंगे या हमें किसी विकल्प की आवश्यकता होगी। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट इस समय में आपको एक स्टूडेंट हमारे साथ ओके सर आप आगे कंप्लीट करिएगा। हमारे साथ एक स्टूडेंट यहाँ पर इस वक्त आ गए हैं, ईशु द्विवेदी आ गई हैं। ईशु, आपको अगर आवाज मिल रही है बताइए, आप कौन सी क्लास में आप अभी, 10th में, 12th में? ईशु आप तक आवाज पहुंच रही है? जी ईशु, आपको आवाज मिल रही है क्या? अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज अपना सवाल रखिए। मैम ये पूछ रही थी कि मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, हमारी स्टडीज ऑनलाइन ली गई है। ठीक है, हमारी स्टडीज ऑनलाइन हमने की है अभी तक। आपको किस तरह की दिक्कतें ऑनलाइन स्टडीज में आई हैं? हमारे एग्जाम्स कब होंगे? मतलब कि वैसे तो फेब में एग्जाम्स हमारे हो जाते हैं, जैन में प्रीलिम्स होती है, फेब में अपने हमारे बोर्ड होते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अभी अभी तारीखें क्योंकि क्लियर नहीं है, 31st को उस पर तस्वीर क्लियर होगी। इशिका कुमार भी हमारे साथ जुड़ गई है। इशिका पूछिए अपना सवाल। मैम मेरे को लगता है कि एक सजेशन है मेरा बोर्ड्स कराने के लिए, आई मीन 12th स्टैंडर्ड, एंड मुझे लगता है कि जो सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो कंडक्ट करेंगे उनको आई थिंक वैक्सीन देने के लिए प्रायोरिटी रखनी चाहिए, जिससे कि बोर्ड्स आई थिंक इजिली कंडक्ट हो सकते हैं, बिकॉज ऑफलाइन इज अ बेटर मोड देन ऑनलाइन, बिकॉज हम भी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी आई डोंट थिंक सो फॉर एवरीवन। और छात्रों को भी हम जो है आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राजपूत जी आप क्योंकि तमाम सवालों के जवाब हमें दे रहे थे। देखिए एक एक जो स्थिति यहां पर बनी है, पहले ऐसा लग रहा था कि जनवरी फरवरी तक भी एग्जाम्स शायद नहीं होंगे, लेकिन इसके बाद ठीक एक दिन पहले शिक्षा मंत्री का ट्वीट आता है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर को वो अनाउंस करेंगे आगे क्या होगा। इस तरह से पहले कुछ कहना फिर उसके बाद दूसरा एक वर्जन आना, ये भी कहीं ना कहीं छात्रों की तकलीफ या उनका जो एक स्ट्रेस लेवल है उसको बढ़ा रहा है। नहीं 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 नहीं, आप इसको यूं क्यों देख रहे हैं? उन्होंने जो कहा था कि जनवरी फरवरी नहीं होंगे उसको उन्होंने बदला नहीं है। हो सकता है जो तारीखों की बात कही जाए उसके बाद की कही जाए, आप इसको पॉजिटिव उसमें लीजिए, आप ऐसे क्यों ले रहे हैं क्यों बदल गया? मैं काफी स्टूडेंट्स क्योंकि ये बात कह रहे हैं कि हम क्या मानकर चलें। एक्चुअली जितने स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं, हमें बताना चाहिए, हमें सब बच्चों को, हमें जी बोलिए सर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को अभी ये मानना चाहिए कि जनवरी फरवरी में परीक्षाओं की डेट की घोषणा मंत्री जी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह चुके हैं। जैसे मैं ये मानूंगा कि वो जो घोषणाएं करेंगे वो मार्च अप्रैल के आगे, मतलब फरवरी के बाद की ही किसी तिथि की होगी।
एक बात और यहां पर मैं कहना चाहता हूं, ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनकी कठिनाइयों की तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, एक तो बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास ऑनलाइन अध्ययन करने की सुविधा नहीं है, इस तथ्य को हमें मानना चाहिए। दूसरा, मैं ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में रहता हूं और 7 दिन तक सरकारी तंत्र का ब्रॉडबैंड मुझे मेरे लिए अनुपलब्ध हो गया था, कुछ जल गया था, जो भी रहा हो, और कोई मेरे से बात करने को नहीं आया और मुझे मजबूरी में दूसरा जगह जाना पड़ा। तो हमारे यहाँ ये जो स्थिति है, अध्यापकों ने बहुत तेजी से अपने को इसमें रंग आगे बढ़ाया, सीखा और सिखाया, लेकिन व्यवस्था की भी तो आवश्यकता थी कि वे भी देखते कि बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन हो रहा है, अतः उन्हें कहीं सिग्नल नहीं मिलता है, कहीं सिग्नल, जैसे कभी बच्चों ने कहा, आपके उसमें भी कहा कि उसमें बीच बीच में व्यवधान बहुत होता है, तो अभी हम उसके लिए परिपक्व नहीं है कि हम पूरा ऑनलाइन परीक्षाएं कर सकें, और ऑनलाइन जो ऑफलाइन का विकल्प नहीं है उसमें मदद कर सकता है। अतः आगे चल करके हमें उन तिथियों की तरफ जाना ही होगा जहां ऑफलाइन परीक्षा हो सके। हाँ, ये भी मैं कहूंगा कि जो हमारा रेगुलर टेस्ट होता है, जो इंटरनल टेस्ट या असेसमेंट होता रहता है, उसका महत्व धीरे धीरे बढ़ेगा जी। और आवश्यकता हो तो उसे हमें अधिक बढ़ा देना चाहिए। जैसे ये जो 30% करिकुलम कम करने की बात कही गई है, इसको इस पर भी विचार होते रहना चाहिए कि हो सकता है इसमें कुछ और भी हमें करना पड़े, बच्चों ने बहुत असुविधा में पढ़ा है। प्रायोगिक परीक्षाएं तो मैं समझता हूं असंभव होंगी क्योंकि प्रयोग तो हुए ही नहीं है, तो अब उसका विकल्प क्या होगा, ये इन संस्थाओं को सोचकर आगे आना पड़ेगा। और वाकई सर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ इस वक्त संदीप वोरा जी भी आ गए हैं। सर देखिए, जो बच्चों से बात करने के बाद एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है, एक तो ऑनलाइन पढ़ाई जो बीते 9 महीनों में हुई है जिसमें क्लासरूम वाला अनुभव उनको नहीं मिल पाया, उसमें भी कई तरह की दिक्कतें, चाहे इंटरनेट की स्पीड को लेकर दिक्कत हो, सब बच्चों के पास स्मार्टफोन्स या उस तरह के गैजेट्स उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर वो एक सेम बेस पर वो पढ़ाई कर सकते हैं, और अब तारीखों को लेकर क्लैरिटी नहीं है, इस चीज ने मानसिक तनाव में बच्चों को ला दिया है, जिसकी शिकायत पेरेंट्स भी करते हैं। आपके पास किस तरह के फीडबैक के साथ स्टूडेंट्स आया, या ओवरऑल इन 9 महीनों को आप लोगों ने किस तरह से इसका आकलन किया? देखिए मीनाक्षी जी, आपने सही कहा कि ये बहुत ही एक स्ट्रेसफुल समय है, और पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से जो कहर कोरोना ढाया है उसकी वजह से हम सब तनाव से निकल रहे हैं, बट बच्चों के लिए ये ज्यादा चैलेंजिंग इस स्टेज पे है, स्पेशली बोर्ड की परीक्षाएं जिनकी है उनके लिए डबल चैलेंज है बाकी सब बच्चों से, क्योंकि देखिए एग्जाम का टाइम वैसे ही स्ट्रेसफुल होता है, उसके बाद अनसर्टेनिटी जब आती है तो वो ज्यादा प्रेशर डालती है, और अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है आगे आने वाले समय में एग्जाम कब होगा, तो बच्चों का दिमाग पढ़ाई में लगता नहीं है या बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और इसके अलावा जहां तक माध्यम की बात आती है कि आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो वो भी उसमें एडजस्ट करने में हर एक को समय लगता है, कुछ बच्चे एडजस्ट कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते, उसके बाद पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स का बच्चों के साथ एडजस्टमेंट, उनको वो वाली ऑनलाइन एनवायरनमेंट दे पाना, जो पिछले 9 महीने में मेरे पास जो बच्चे आए हैं, क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस में हम भी बच्चों को या जो भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हम सब ऑनलाइन ही देख रहे हैं, तो उसमें ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि कोरोना की वजह से एक्सेसिव केयर और फियर की वजह से बच्चे उस फ्रीक्वेंसी जिस तरीके से पहले पढ़ते थे उसमें चैलेंज आ रहा है, काफी बच्चे नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं और पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा अपसेट है। अब इन सब चीजों को देखते हुए अगर मुझे ये पता ही नहीं मेरा एग्जाम कब होगा, या ये फियर है कि कहीं एकदम ना हो जाए, तो वो डेफिनेटली कंपाउंड करता है स्ट्रेस हर बच्चे पर, हर पेरेंट पर। तो मेरे हिसाब से जितनी क्लैरिटी सीबीएसई की तरफ से या हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से मिलेगी उतना अच्छा है, पर यह बात निश्चित है कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स अगर नहीं कर पाते तो ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन अगर एग्जाम होते तो वो टोटली सिक्योर एनवायरनमेंट हो जिसमें कोरोना का खतरा ना हो, वही बेस्ट रहेगा, टाइम जो भी डिसाइड किया जाता है। चलिए डॉक्टर वोरा, ये आपकी सलाह यहाँ पर थी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त साइशा चोपड़ा जुड़ गई हैं। साइशा, आपको देख पा रहे हैं हम? साइशा पूछिए अपना सवाल, आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? 12th स्टैंडर्ड। ओके, अभी किस तरह से आपकी पढ़ाई हो रही है, किस तरह से जो यूनिट टेस्ट है, बाकी एग्जाम्स है वो लिए जा रहे हैं? It is going well, but I think that paper should be offline. But there is a problem in practicals. Like there is a huge burden on students to submit their projects on time and all. Exams को लेकर आप government से कुछ कहना चाहती हैं? The date should be released soon and
ऑफलाइन एग्जाम शुड बी कंडक्टेड, देयर शुड बी अ गैप बिटवीन, मतलब एक्सपेक्टेड गैप 9 to 10 days बिटवीन ईच एग्जाम्स. अभी साईशा, जिस तरह से आप लोगों की पढ़ाई चली है बीते 9 महीनों में, किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए हैं? मेनी अ टाइम्स लाइक पेपर्स आर देयर एंड देयर इज नेटवर्क इशू, वी आर नॉट एबल टू अपलोड द फाइल्स, सो द टीचर्स आर मार्किंग अस ऑन द सेम, सो स्टूडेंट्स आर फेसिंग अ लॉस एट दिस टाइम. तो ये वो सारी चुनौतियां हैं जिनका जिक्र देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कर रहे हैं. राजपूत जी, ये सवाल मेरा आपसे है, क्या अभी की परिस्थिति के हिसाब से आप ऐसा कुछ सिस्टम देखते हैं कि परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं हो पाना मुमकिन होगा? मैंने कहा ना, अभी जहां अगर कोई कहे कल हो सकती है, 7 दिन में हो सकती है, तो मैं कहूंगा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें धीरे धीरे बच्चों का तनाव, उनके माता पिता का तनाव कम करने के बाद ही परीक्षा करनी चाहिए. अतः निश्चित रूप से जनवरी फरवरी के बाद जो भी तारीख आए, चाहे वो अप्रैल में आए या मार्च में आए, हमें तभी इसकी व्यवस्था करनी होगी. और इसमें लगातार माता पिता पालकों के साथ मंत्रालय का संपर्क, जहां तक मेरी जानकारी है, बना हुआ है, और संवेदनाएं वहां पर भी हैं. वो लोग भी यही मानकर चल रहे हैं कि हम आगे आगे बढ़ेंगे और उसी हिसाब से करेंगे. हमारे यहाँ निश्चित रूप से ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति नहीं है, बहुत से बच्चों को कठिनाई होगी, ऑफलाइन हमें जाना ही पड़ेगा. और हमें आशा रखनी चाहिए कि जो प्रयास हो रहे हैं कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए, वे शीघ्र से कुछ परिणाम लाएंगे, और उसके बाद मार्च अप्रैल में जब भी मंत्रालय ठीक समझेगा, ये परीक्षा की तिथियां होंगी और बच्चे बिना तनाव के जा सकेंगे. मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है, अगर बच्चे और माता पिता तनाव में हैं, वो परीक्षा के लिए उपयुक्त स्थिति नहीं होगी. लेकिन मेरा यह भी विश्वास है कि जैसे हमने कोरोना पर नियंत्रण पाया है, संख्याएं पॉजिटिव केसेस की कम होती जा रही हैं, आशा है हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और सबका कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा. जब कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा तो एक समन्वय के साथ, ऐसा नहीं है कि हम मंत्रालय कुछ और सोचेगा और माता पिता और सोचेंगे, निश्चित रूप से वो यही प्रयास करेंगे. सर, कुछ और बच्चों के भी सवाल ले लेते हैं क्योंकि वो सभी अपने बहुत सारे पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहते हैं. अनिकेत कपूर है हमारे साथ. अनिकेत, आपको आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए. अनिकेत, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद ऐसा लगता है कि उन तक आवाज पहुंच नहीं रही है, लेकिन और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से. ये सवाल मैं अब डॉक्टर वोरा आपके पास लेकर आना चाहूंगी. हमने ये देखा कि जो पैंडेमिक का ये समय रहा, परिस्थितियां हर महीने और दिनों के हिसाब से बदली हैं. दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर स्कूल खुले भी हैं, वहां पर बच्चे जा भी रहे हैं. ये मुमकिन है कि वहां पर जिस तरह की परिस्थितियां उसके हिसाब से फैसला लिया गया है. लेकिन अगर उन देशों की तुलना में आप भारत को कंपैरिजन में लें, तो आप क्या फर्क देख रहे हैं एग्जाम्स कंडक्ट करने में? देखिए, जहां तक कोरोना का सवाल है, इस वक्त जो रफ्तार है थमी हुई है, बहुत अच्छी बात है. वैक्सीन आती है, कल को वैक्सीन सबको मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, उससे कंट्रोल होगा. बट अभी भी इतने स्ट्रेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आ रहे हैं, तो ये कहना कि कोरोना की प्रॉब्लम खत्म हो गया वो उचित नहीं होगा. ये ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे को कि मेंटली, अदरवाइज, लॉजिस्टिकली गवर्नमेंट्स को, स्टेट, सेंट्रल, सबको तैयार रहना पड़ेगा कि अगर सडनली कहीं से भी दोबारा वेव आती है तो हम कंट्रोल कर सके. तो ये जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती कि क्या हमने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है पूरे वर्ल्ड के अलावा, अगर इंडिया की बात करें तो प्रेजेंट सिचुएशन डेफिनेटली बहुत ऑप्टिमिस्टिकली हम चल रहे हैं. बट जैसे पहले बाकी कंट्रीज में भी हुआ, यहां पर भी हो सकता है कि सडनली वापस वेव आ सकती है. तो उससे उसका हमको ध्यान रखना है. दूसरी बात है, वैक्सीनेशन जब शुरू होगी तो एकदम तो सबको मिलेगी नहीं, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जैसे जैसे मिलती है. वैक्सीन का सर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है, इस पर मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी, लेकिन एक स्टूडेंट यहाँ पर सवाल रख रहे हैं अपना बारे. सम्रांत, अपना सवाल पूछिए. जी मैम, मैं मेरे सर से ये आपको एक सजेशन देना है कि इस बार, इस साल एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 27% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी नहीं थी कि अपने ऑनलाइन क्लासेस को परस्यू स्मूथली कर सकें. स्मूथली कि हम लोगों के टीचर्स खुद इतनी कोशिश करी उन लोगों ने कि हम लोग क्लासेस सही से करवा पाए, और लेकिन ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज, तमाम तरीके के इश्यूज रहते हैं जिनकी वजह से हम लोग क्लासेस स्मूथली रन नहीं कर पाए हैं. ये एक बहुत बड़ा इस पे भगवान को इस पे कहते हैं हमारे नेताओं को देखना पड़ेगा. और प्लस जो 30% उन्होंने कोर्स हटाया है, वो भी सिर्फ नाम का हटाया है, कुछ नहीं हटाया, सिर्फ अगर देखा जाए तो गिनती का 5% हटा है. एक दो टॉपिक्स में
टॉपिक हट गया दूसरे से रिलेटेड है, आप जब तक वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो है वो नहीं समझ में आएगा। तो मतलब देखा जाए तो कुछ भी नहीं हटा है, तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है। और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है मैम की ठीक है, ये आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर संभ्रांत रखा है। एक स्टूडेंट और है हमारे साथ, स्मृति है। स्मृति आप हाथ खड़ा कर रही हैं, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ऑनलाइन मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि स्मृति आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए और फिर आप सवाल पूछिए, क्योंकि वो इको में फिर हम आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। बोलिए स्मृति। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर ऑनलाइन पेपर होंगे तो क्या उसके क्या प्रिकॉशंस होंगे, और अगर ऑफलाइन हुए तो उसके क्या प्रिकॉशंस होंगे, हमारे लिए क्या वो फैसिलिटीज होंगी ऑनलाइन में, सेफ्टी होगी नहीं होगी, कैसा क्या होगा मैम? ठीक है, ये सवाल भी बहुत से बच्चों के मन में है, लेकिन इसका जवाब अभी इसलिए बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि शिक्षा मंत्री 31 तारीख को जब बात रखेंगे तो शायद तस्वीर थोड़ी ज्यादा पुख्ता होगी। लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए जीएस राजपूत जी, जो स्टूडेंट्स का ये सवाल है, चाहे वो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी को लेकर सवाल हो या जिस तरह का इक्विपमेंट उनके पास मौजूद है उसमें कैसे एक समानांतरता होगी कि सभी स्टूडेंट्स को एक एक पैरामीटर पर जज किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी असेसमेंट के लिए, एग्जाम के लिए। ये चुनौती है, और अभी एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात पूछी, उन्होंने कहा कि 30% पाठ्यक्रम कम करने की बात कही है मगर कम कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और आप एक चैप्टर हटा दें वो दूसरे से जुड़ा हुआ होगा तो बच्चे को कोई फायदा नहीं होगा। इसके कई तरीके हैं। इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि बजाय एक जब परीक्षा होगी तो उसमें आपको जो चॉइस दी जाती है उसके द्वारा भी इसका समाधान निकाला जा सकता है, और ये सुझाव इस तरह के जब आते हैं तो मंत्रालय में एनसीईआरटी में इन पर विचार होता है और कोशिश की जाएगी कि बच्चों को इस प्रकार की असुविधा पाठ्यक्रम को लेकर के न हो। खत्म हुआ है बहुत कुछ, ऐसी चीजें समाप्त की हटाई गई हैं जो लगता था कि बिना स्कूल गए नहीं पढ़ी जा सकती है, उस पर भी बहुत बहस हुई है, बहुत काम हुआ है, तो इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, निश्चित रूप से परीक्षाएं कभी भी हों, मार्च में हो, अप्रैल में हो, मई में हो, होनी तभी चाहिए जब केंद्रों पर आने जाने की पूरी व्यवस्था हो, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो और बच्चों के लिए हर प्रकार से उनकी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बिल्कुल ये जो भी सुविधा दी जा सकती है स्वास्थ्य की दृष्टि से। इन बातों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता, और वही बात जो प्रधानमंत्री नारा भी दे चुके हैं, जान है तो जहान है। हमारे साथ महावीर जी जुड़ गए हैं, आप जी अभिभावक है। महावीर जी आप अपना सवाल रखिए। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए सर। मैम एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेज की गई है वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए की गई है स्कूलों के द्वारा, उनको अपनी सिलेक्शन करना था कि बच्चों का फ्यूचर को देख के उसको किया गया है। ओके, और अब जो एग्जाम को लेकर बहस चल रही है उस पर मैं गवर्नमेंट से जानना चाह रहा हूँ कि क्या कोई आपने पहले तो कोई स्पेशली ऐसा नोटिफाई किया नहीं, मैं कोई संज्ञान में कोई चीज लेके आए, आप किस चैप्टर को हटा रहे हैं, कितना हटा रहे हैं चैप्टर, तो बच्चे जो है बहुत डिप्रेशन में हैं और बहुत से बच्चों के औरों ने भी व्यवस्था लगाए अपनी कि बहुत से बच्चों के पास तो ऑनलाइन क्लास करने के लिए साधन ही अवेलेबल है, तो ये किस प्रकार का क्लास होगा, किस प्रकार के एग्जाम होंगे, इसके लिए कुछ शिक्षा मंत्री की तरफ से जो है स्पेशली जो है ना बयान जारी कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, हमारी भी यही कोशिश महावीर जी कि आपके जैसे अभिभावक जो भी हैं जिनके मन में सवाल हैं कम से कम आज तक के मंच के जरिए वो सरकार के सामने भी हो ताकि उस पर आगे जो तस्वीर हो साफ हो और उसके हिसाब से भी फैसले लिए जा सके। साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप स्टूडेंट हैं। साक्षी आपको आवाज मिल रही है, पूछिए अपना सवाल। नहीं, मैं मेरे भाई की बहन हूँ, कक्षा में है। मैं मेरा सरकार से ये सवाल है कि जब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है आप लोग के सरकार इतनी बोल लेती है कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है और काबिल है हमारे एग्जाम लिखने के। एक्सक्यूज मी मैम,
तो मेरा सवाल ये है कि अगर बच्चों को ऑफलाइन थोड़ा पढ़ाया जाए एग्जाम देने से पहले तो बेहतर होगा। ठीक है, राघव भी हमारे साथ मौजूद है। राघव सवाल पूछिए अपना। मैम एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनमें हमारे पास एक एडवांटेज रहती है कि हम हमारे पास लाइव क्लासेस और हमारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन रहता है सब कुछ। तो असल में हमारी नेचर क्या होती है, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ों को। अक्सर क्या होता है तैयारी हो नहीं पाती है और हम बस सोचते हैं कि चलो हमारे पास ऑनलाइन है तो हम बाद में रिवाइज कर लेंगे या कर लेंगे उसे बाद में, तो तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती जैसे हम ऑफलाइन करते थे। तो मैम इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिएगा अभी। आप लोग क्या चाहते हैं अभी, आप कॉन्फिडेंट हैं इस बात को लेकर कि अगर एग्जाम सेंटर जाना पड़े तो सब ठीक रहेगा, आप लोग कंफर्टेबली वहां जा सकते हैं? मैम ये हो सकता है लेकिन इसमें फिर भी हमें थोड़ा टाइम चाहिए, मतलब एटलीस्ट 3 मंथ्स, क्योंकि एक तो थोड़ा सा मतलब जो अभी एनवायरमेंट है वो थोड़ा सुधरना चाहिए। ठीक है, मंजोत भी आ गए हमारे साथ। मंजोत आपको आवाज आ रही है, पूछिए अपना सवाल। मंजोत आप सुन पा रहे हैं? मंजोत पूछिए अपना अपना सवाल पूछिए। चलिए ठीक है, दोबारा कांटेक्ट करेंगे। डॉक्टर वोरा आपने भी सवाल सुने होंगे जो स्टूडेंट्स ने रखे हैं, प्लीज आप इस पर अगर रिस्पॉन्ड कर दें उनकी क्वेरीज को। ये जो बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक अभिभावक ने भी बोला है बात सही है। तो हमको ये समझना है कि अगर एक देखिए एग्जाम का नाम ही इतना डरावना होता है बच्चों के लिए कि उनको बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, पर अगर आपको ये बताया जाए कि आपने एग्जाम देना है, आपको पर्सनली जाना पड़ेगा और वहां जाने के बाद आपको कोरोना का खतरा है, तो पहली बात है कि आप अंदर से ही आपको बहुत ज्यादा घबराहट होगी, आप चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करने के लिए मेंटली बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे। और अगर यही बात पेरेंट्स की को भी अगर उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा तो देखिए कई पेरेंट्स तो फिर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि यार मेरे को बच्चे को अपने घर पर ही रखे, इससे अच्छा एग्जाम नहीं दे। तो ये सारी नेचुरल ह्यूमन नेचर का पार्ट है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के रूप में इंफॉर्मेशन और स्टेप्स नहीं उठाए जाएंगे जिसपे उनको ऑलमोस्ट ये सर्टन हो जाए कि चांसेस होने के ना के बराबर है, तब तक वो वाली बात नहीं आएगी एग्जाम के अंदर, जहां तक मेंटल प्रिपरेशन की बात है। बाकी इसके अलावा मुझे लगता है कि जितना बच्चों का और पेरेंट्स का फीडबैक CBSE या एजुकेशन मिनिस्ट्री ले अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ है कि दोनों तरफ का कम्युनिकेशन चैनल ओपन रहना चाहिए ताकि दोनों साइड समझे कि एक मिडल पाथ क्या है। अल्टीमेटली एग्जाम ऑनलाइन तो नहीं पॉसिबल है, ऑफलाइन ही होगा, बट उसके लिए राइट सर्कमस्टांसेस, राइट एनवायरमेंट और राइट वे से ही आगे चलना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें किसी को नहीं पता कि प्रॉब्लम आ रही है तो कब आ रही है और कैसे आ रही है। अगर हमें लगता है कि कुछ समय हमें मिल जाता है, देखिए इसके दो पार्ट है, एक है कि राइट एनवायरनमेंट एग्जाम वाले। डॉक्टर साहब आप कंप्लीट करिएगा, आप कंप्लीट करिएगा डॉक्टर साहब। एक हमारे साथ अभिभावक जुड़ गए हैं, डॉक्टर निर्मल आ गए हैं हमारे साथ। जी डॉक्टर साहब रखिए अपना अपना सवाल। नमस्कार, नमस्ते सर। मैं आज तक को बधाई देना चाहता हूँ कि मतलब बहुत ज्वलंत समस्या है इस समय CBSE बोर्ड के एग्जाम होने हैं। मैं प्रिंसिपल हूँ एक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो बच्चों की मतलब चूंकि ऑनलाइन है एग्जाम, मतलब हमने पढ़ाई करवाई है और एग्जाम के मतलब डेट शीट आने वाली है, तो निश्चित तौर पर जो ऑफलाइन की जो व्यवस्था होती थी जो बच्चों को मतलब जो गेन करते थे वो नहीं कर पाए हैं, ये निश्चित है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम 2 महीने ऑफलाइन क्लास चलने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए, या मतलब इस तरह से सरकार के पास सुझाव आप लोग दे सकते हैं कि कम से कम 2 महीने ऑफलाइन बच्चों को चाहिए पूरे भारतवर्ष में। मतलब अगर बच्चों को 2 महीने ऑफलाइन के लिए मिलते हैं जैसे भी हम कोरोना काल से निकले, तो इसके बाद एग्जाम कंडक्ट कराया जाए तो बेहतर भविष्य है, क्यों? ठीक है, ये डॉक्टर निर्मल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रिंसिपल भी हैं और उन्होंने जिस तरह का फीडबैक दिया ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट। एक स्टूडेंट और आ गया हमारे साथ, उज्जवल बोलिए। उज्जवल थैंक यू मैम मेरे क्वेश्चन सुनने के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम जैसे अभी हमारे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं तो प्रैक्टिकल्स अभी हमारे अवेलेबल हो नहीं रहे हैं, और जब हमारे प्रैक्टिकल होंगे तो हम कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को, तो उसको लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हमें मतलब पूरी ईयर प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करवाई जाती है लेकिन अभी सडन ही ये सब ऑफ हो गया, तो लेकिन हम क्या करें। थैंक यू। ठीक है
उज्जवल प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर अपने ये सवाल पूछ रहे हैं। बाकी स्टूडेंट से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी अपना अपना माइक ऑफ कर दें, क्योंकि जब मैं सवाल पूछूं आपसे आप तब जवाब दीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज आपकी आवाज दूसरे स्टूडेंट्स की आवाज के बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, सवाल हम क्लियर साफ तौर पर सुन नहीं पा रहे हैं। दिव्यांशु है हमारे साथ, बोलिए दिव्यांशु। दिव्यांशु चलिए, दिव्यांशु से हम फिर जुड़े बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो यहां पर जुड़ते जा रहे हैं। जेएस राजपूत जी जो यहां पर एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी सवाल उठाया और कुछ स्टूडेंट्स भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कम से कम एग्जाम के बीच में उन्हें एक महीने या दो महीने का एक पीरियड मिले ऑफलाइन तैयारी करने के लिए या उस सिस्टम में जाने के लिए, आप इस बात को इससे कितने सहमत हैं? देखिए, मैंने बहुत सी चीजें सुनी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का ही हिस्सा है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसका फीडबैक मंत्रालय में भी जाएगा, सीबीएसई में भी जाएगा, हर बोर्ड में जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जैसे डॉक्टर वोरा ने कहा है, बहुत आवश्यक है, लगातार होते रहना चाहिए। ये जो बात कही है प्रिंसिपल साहब ने, वो बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चे अगर परीक्षा सीधे आप परीक्षा भवन में उन्हें भेज देंगे तो सही नहीं होगा। मैं भी इस बात को मानता हूं, मैं भी 11 साल प्राचार्य रहा हूं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन का। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बच्चों को कम से कम 3 हफ्ते 4 हफ्ते स्कूल जाने के बाद परीक्षा में बैठने की स्थिति बननी चाहिए और निश्चित रूप से इस पर मंत्रालय भी विचार कर रहा होगा। ऐसा ये बात बहुत सही है, मैं इसका सहमत हूं। जहां तक प्रैक्टिकल का सवाल है, मैं समझता हूं ये बात कही गई है कि बिना कराए हुए प्रैक्टिकल का इम्तिहान नहीं होगा, इसलिए बच्चों को ये अपने दिमाग से हटा देना चाहिए। कैसे होगा, कब होगा, वो व्यवस्था बाद की बात है, लेकिन ये सरकार भी जानती है और संभवतः बोर्ड भी जानता होगा, मेरे जैसा व्यक्ति भी जानता है कि प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं, इसलिए परीक्षा प्रैक्टिकल की परीक्षा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। बाकी विषयों की पढ़ाई जो हुई है उसमें कितनी असुविधाएं हुई हैं उस तो हम लोग आज भी देख रहे हैं। जैसे इस समय हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें भी बहुत से इंटरफेरेंसेस पैदा हो रहे हैं, तो इसमें तो समय लगता है। और बच्चों ने बात कही है कि सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, ब्रॉडबैंड की प्रॉब्लम्स है, 27% के पास कोई साधन है ही नहीं, तो उन्हें भी तो पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए इन सुझावों के आधार पर ही मंत्रालय चलेगा, ऐसी अपेक्षा हम सबको करनी चाहिए जी। और ये भी मानना चाहिए कि मंत्रालय में भी संवेदनाएं हैं। हमारे मंत्री जी जो इस समय हैं, निशंक जी, वे स्वयं स्कूल के अध्यापक रहे और ये बहुत अच्छी चीज है कि वो सारी स्थितियों से व्यक्तिगत रूप से परिचित है। तो निश्चित रूप से जहां तक हम लोगों की जब चर्चा भी हुई है तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं होगा जिससे बच्चों के हित का, माता पिता के तनाव का ध्यान न रखा जाता हो। ठीक है, और इसलिए हमारी भी ये कोशिश थी कि कम से कम आज तक के इस मंच के जरिए देशभर में बच्चे जो सवाल पूछना चाहते हैं उनके सवालों को एड्रेस किया जा सके, और 31 तारीख को जो बोलने वाले हैं शिक्षा मंत्री, उससे पहले कम से कम एक एक जवाबों का सिलसिला स्टूडेंट्स की तरफ से भी हो। हमारे साथ परवीन मल्होत्रा जी भी जुड़ गई हैं, आप करियर काउंसलर हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक और कॉलर आ गए हैं, सुमित तिवारी, आप अभिभावक हैं और उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुमित जी, अपना सवाल रखिए। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि अभी माफ कीजिए जी, बोलिए। हाँ जी, कोई बात नहीं। अभी 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 वक्ता कह रहे थे कि हमारे निशंक जी में बड़ी संवेदनाएं हैं, संवेदनाओं का जहां तक सवाल है, फीस को लेके हम लोग इतना समस्याग्रस्त रहे, इतना हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन कहीं से कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं आई। शासनादेश ये आया था कि किसी भी बच्चे को फीस की वजह से बाहर नहीं निकाला जाएगा, वो भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों ने फीस ना जमा होने के कारण निकाल दिया, वो बच्चे कैसे उन एग्जाम में सम्मिलित होंगे? शासनादेश का क्या अर्थ है जब शासनादेश का कोई अनुपालन ही नहीं कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये संवेदनाएं कहाँ है? और रही ये कंफ्यूजन की, जो सभी लोग वक्ता कह रहे हैं कि कंफ्यूजन की ऐसी असमंजस की स्थिति है, बच्चे इतने प्रेशर में है, कोई एक क्लियर कट कोई बात निकल के आ ही नहीं रही है। हम लोगों ने तो आंदोलन करना की राह ही छोड़ने वाले हैं कि जब हमारी समस्या का समाधान होता ही नहीं, हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती, तो ये कैसे कह रहे हैं कि निशंक जी इतने संवेदनाओं पर ध्यान देते हैं?
हम अभिभावक संघ की तरफ से, उन नौ अभिभावक संघ की तरफ से कहना चाहते हैं कि संवेदनाओं का तो कतई ख्याल किया ही नहीं गया है इस मंत्रालय द्वारा। एक बड़ी चिंता की बात आपने सामने रखी उन बच्चों के लिए भी कि जिनके साथ जिस तरह की घटना हुई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो इन चिंताओं का एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ आ गए हैं हमारे साथ, सिद्धार्थ अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे निशंक जी ने बोला था कि 70 सिर्फ स्कूल वाले ट्यूशन फी लेना चाहेंगे, बट आई डोंट थिंक सो 5000 कोई से भी ट्यूशन की फी होती है वो भी पर मंथ, और उसको और रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि कोई अगर पेरेंट जिसकी लॉकडाउन में जॉब छूट चुकी है वो कैसे पे करेगा इस फीस को। ठीक है, नेहा आ गई हमारे साथ, नेहा महाजन पूछिए सवाल। यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह कहा गया था कि 30% पोर्शन रिड्यूस होगा, बट अब तक हमें कोई चैप्टर्स के बारे में पता नहीं चला, लाइक नीट हो या जेई एग्जाम्स हो, उनके बारे में अब तक पता नहीं चला कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो नहीं होंगे, सो हम उन्हें उनके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, सो वो एक डाउट है कि हमें उन चैप्टर्स की लिस्ट या फिर कोई पोर्शन हमें मिलना चाहिए उसके। ठीक है, आशीष आ गए, पूछिए आशीष अपना सवाल। जी आशीष बोलिए, आशीष हेलो। जी आशीष बोलिए। जी मैम आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। आशीष सवाल पूछिए अपना। हेलो मैम बोलिए बोलिए। खुशी हमारे साथ है, पूछिए खुशी। जी मैम मेरा सवाल ये है मैम, हेलो खुशी अग्रवाल सवाल पूछिए अपना। मैम अब तक हमारे आई एम फ्रॉम बीएसएससी, तो हम बोर्ड्स किस बेसिस पर देंगे? हमारी यूट्यूब पर एक लाइव क्लास होती है पूरे दिन, जहाँ हमारी वीक में 7 क्लासेस 6 क्लासेस। ठीक है, ये सारे सवाल जो इन स्टूडेंट्स ने रखे, प्रवीण मल्होत्रा जी मैं चाहूंगी पहले आप ये भी जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं कोरोना काल में बोर्ड एग्जाम्स किस तरह से होने चाहिए, और फिर जो स्टूडेंट्स की क्वेरी थी उनको भी प्लीज आंसर करिए। परवीन जी भाई, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो सरकार करेगी, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा, जो हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन मिनिस्टर, वो इतने रिस्पॉन्सिव हैं, लोग बार बार वो मीटिंग्स करते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ, तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। जो प्रॉब्लम है इज ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है, जिसको लेकर अगर मिनिस्ट्री सोच भी रही है और अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस भी कर रही है, तो वो स्टूडेंट्स को एक आवाज में नहीं मिल रहा है। जब वो अपने स्कूल को पूछते हैं तो स्कूल के टीचर्स कुछ उनको जवाब नहीं दे पाते हैं, और फिर आपस में जब ये बच्चे बात करते हैं तो एक छोटी बात इतनी बड़ी बात हो जाती है। सो आई थिंक वी शुड ट्रस्ट अवर मिनिस्ट्री एंड द बोर्ड टू कम आउट विथ क्लियर कम्युनिकेशन ऑन दिस इश्यू, फिर एंड ऑब्वियसली वो सबका सुख और सबकी सहूलियत लेकर ही आगे चलेंगे ना, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। अगर लोग नहीं जा पाएंगे ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए, अगर कोविड ज्यादा बढ़ गया या कुछ भी, तो ऑब्वियसली वो एग्जाम्स को या तो डिफर करना पड़ेगा या कंबाइंड मोड में करनी पड़ेगी, एंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम जस्ट इन इंडिया, द होल वर्ल्ड इज सफरिंग एंड ट्राइंग टू टैकल एंड कम टू टर्म्स विद दिस प्रॉब्लम। तो एक बच्चा या एक फैमिली की ये बात या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है डॉक्टर वोरा, कुछ देर पहले आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया था, क्योंकि आज से तो 4 स्टेट्स में ड्राई रन भी शुरू हो रहा है। सवाल ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो भी तस्वीर बनती है आगे, उसके लिए भी तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि वो कैसे उस पर रिस्पॉन्सेज आते हैं, क्या उसका टोटल असर होता है, उसके बाद ही कोई फैसला पुख्ता तौर पर लिया जा सकता है, और बच्चों को तो शुरुआत में वैक्सीन दिए ही नहीं जाने। बिल्कुल सही बताया आपने, तो इसकी वजह से आप देखिए पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी कितनी ज्यादा है। पेरेंट्स के लिए ये सोचना कि एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चा है, बच्चे की जान, तो ऑफकोर्स बच्चे के बारे में पहले सोचेंगे और उनके दिमाग में ये होगा कि बच्चे को कोरोना ना हो किसी भी हालत में। तो इसमें पूरी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मेरे हिसाब से एक जो चीज मैं समझ पा रहा हूं वो ये है, जैसे बोला गया कि कम्युनिकेशन गैप, तो जो कोई भी अगर आपको एक्शन करना है पूरे भारत में, तो जितनी अच्छी तरह से गवर्नमेंट्स ने, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन किया है हर माध्यम से रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ कोरोना, मेरे हिसाब से उसी तरीके से सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा के बारे में क्या सोचा जा रहा है या क्या प्लान है
वो पूरे इंडिया में थ्रू द एजुकेशन मिनिस्ट्री वो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए इन अ कंट्रोल्ड मैनर फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी, दैट मीन्स एजुकेशन मिनिस्ट्री में, चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से चाहे अदरवाइज, हर स्कूल के अंदर थ्रू द प्रिंसिपल्स वो फर्दर जो इंफॉर्मेशन है जो पहले आप स्कूल के हेड को देंगे वही बच्चों को देगा। तो जब एक कंसिस्टेंसी होगी इंफॉर्मेशन में तब इनसिक्योरिटी कम होगी, तब ज्यादा लोगों के अंदर सर्टेनिटी आएगी। और रही बात इसको कंडक्ट करने के लिए, तो वो मेरे हिसाब से तभी पॉसिबल होगा जब आप राइट एनवायरनमेंट दे सके। इस वक्त स्ट्रेस दो चीजों का है, एक सेफ्टी और दूसरा कोर्स और उसकी प्रिपरेशन। तो जहां तक कोर्स और प्रिपरेशन की बात आती है, तो मेरे हिसाब से जैसे अभी कहा गया, डॉक्टर राजपूत ने भी बोला कि कुछ समय के लिए ऑफलाइन क्लासेस हो तो वो बिल्कुल आइडियल स्टेट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेंटली आप 9 महीने से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है अपने स्कूल से। अगर आप एक ट्रायल बेसिस पर जाते हैं, मेंटली उस फेज में वापस जाते हैं, उस मोड में जाते हैं जिसमें आप क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल का कर रहे हैं चाहे वो अदरवाइज पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आप एग्जाम के लिए मेंटली रेडी होंगे, तो आइडियल सिचुएशन है। टाइम लेकर डिपेंडिंग, ये जरूर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम जरूर कर सकता है। लेकिन फिर हमारे सामने सर देखिए हरियाणा का भी उदाहरण है, जहां पर स्कूल्स खोले गए थे और बच्चे गए थे, तो उसमें से कितना बड़ा एक स्टूडेंट्स का सेट था जो कोरोना पॉजिटिव हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, और फिर उसकी वजह से वापस दोबारा पहले की स्थिति में आना पड़ा। मैं आपसे इस पर आंसर लूंगी, लेकिन जाह्नवी शर्मा स्टूडेंट है, हमारे साथ जुड़ गई है। जाह्नवी, आपको आवाज मिल रही है, अपना सवाल पूछिए। जी जी, मैं जम्मू कश्मीर की छात्रा हूं, और जैसा कि सभी जानते हैं कि यहाँ 4G उपलब्ध नहीं है, इसी कारण हमें ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत ही मुश्किल आ रही है, और यहाँ कई स्कूल भी अभी नहीं खुले हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि स्कूल खुल जाए। ठीक है जाह्नवी, कितना समय हुआ है आप लोगों को घर से बाहर निकले हुए, कितने टाइम से आप घर में ही हैं लॉकडाउन के बाद से? हम कुछ 6-7 महीनों से घर पर ही हैं, मार्च से। अच्छा, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। एक बात और बताइए, क्योंकि मैं तो काफी स्टूडेंट से बात करती हूँ, तो बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो घरों से निकले ही नहीं है, तो अब क्या ऐसा होता है घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में, या थोड़ा फियर भी होता है कि कैसे प्रिकॉशंस लेके जाना है या बाहरी दुनिया से कॉन्टेक्ट करना है? जी जी, जब कभी स्कूल जाने का मन भी करे तो लगता है कि अगर जाएंगे अपनी जान को भी खतरा है, पढ़ाई को ज्यादा प्रेफरेंस दें अपनी जान को, जान है तो जहान है, पर एजुकेशन भी तो जरूरी है। इसी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात की, पढ़ाई भी पीछे छूटनी नहीं चाहिए, और इसीलिए ये सारी कवायद जो है वो भी हो रही है। प्रोफेसर गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर साहब सवाल। मेरी समस्या ये है जी कि मेरे बच्चे ये सोच रहे हैं कि एग्जाम भी वैसे ही होंगे जैसे पढ़ाई हुई है, और वो उसको ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से पढ़ाई हो गई उसी तरह से एग्जाम हो जाएंगे और किसी तरह से पास भी हो जाएंगे, तो दे आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। ये समस्या है, और अपनी मनमर्जी से करते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, हमारा उन पर कोई नियंत्रण रहा नहीं है। इसके पीछे आप क्या कमी मानते हैं सर, प्रोफेसर शर्मा? इसका कारण यही है कि सभी जो कार्य कर रहे हैं वो थोड़ा ढिलाई से कर रहे हैं, जिस प्रकार से कक्षाएं होती थी उस प्रकार से हम माता पिता अपने बच्चों पर उतना कंट्रोल नहीं रख पाते जितना कि अध्यापक रखते थे। यस सर। ठीक है, हमारे साथ स्टूडेंट आ गई है काव्या। काव्या पूछिए अपना सवाल। गीता तिवारी, मैं पेरेंट हूँ, मैं फीस से पीड़ित पेरेंट हूँ। मैं गीता तिवारी। काव्या, काव्या अगर आप सुन पा रही हैं तो प्लीज अपना सवाल रखिए। मैं गीता तिवारी अभिभावक। जी गीता जी बोलिए। मैम मेरा सिर्फ एक सवाल है कि फीस ना जमा होने इस कोरोना काल में जितनी कानून आए थे उसके बावजूद मेरी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया, वो कैसे पेपर देगी? सिर्फ मेरा एक ये सवाल है, फीस ना जमा होने के मेरा बिजनेस ठप था, इन 3 महीने इन लोगों ने मेरी बच्ची को निकाल दिया स्कूल से, मुझे इसका जवाब चाहिए, किस कानून के तहत मैं किस कानून का दरवाजा खटखटाऊं? तो ये देखिए, ये तमाम पेरेंट्स की चिंताएं हैं जो उभर कर सामने आ रही हैं, और हमारी भी कोशिश ये थी कि इन चिंताओं को हम सीधे रख सकें सरकार के सामने भी। यहाँ पर सर देखिए जो सवाल आता है राजपूत जी, जिनका जिक्र पेरेंट्स कर रहे हैं, जो एक रूटीन होता है जब आप स्कूल जाते हैं, वो रूटीन बच्चों का इस बार फॉलो नहीं हो पाया, प्लस ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से जैसे
बहुत से पेरेंट्स ने ये शिकायत की कि आप लगातार अपनी स्क्रीन्स देख रहे हैं, उसकी वजह से आंखों पर स्ट्रेन पड़ रहा है, आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है जो अमूमन स्कूल जाने की वजह से हुआ करती थी, तो ये सारे रूटीन से जुड़ी जो दिक्कतें हैं बच्चों ने 9 महीने इसे झेला है। मैं आपको ये 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही गई हैं उन पे भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा। ये जो 30% करिकुलम रिडक्शन हुआ है, पाठ्यक्रम कमजोर हुआ है, इस पर CBSE को पुनः एक बार माता पिता के लिए बच्चों के लिए निर्देश देने चाहिए क्या कम हुआ है, कैसे कम हुआ है। दूसरा, इसके साथ ही बच्चों की बात सुनकर मेरे मन में बात आई है कि जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, एक बच्ची ने कहा भी कि उनमें इसका क्या असर होगा, करिकुलम रिडक्शन का होगा या नहीं होगा, ये बच्चों को स्पष्ट रूप से बताया जाए जी। और इसकी बात की सभी लोग घोषणा करें जी।